मैं हूँ हमजा मुमताज और आज मैं लेने जा रहा हूँ 9th क्लास के मैथ्स का 12th लेक्चर। सो व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक्स फॉर द एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। उसमें था हमारे पास कन्फॉर्मेबिलिटी फॉर अ मैट्रिक्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आज हमारे पास है दो लॉज जो है एडिशन पर, मतलब आज हम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स के दरमियान एडिशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, और फिर है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन में हमारे पास दो मैट्रिक्स है, और अदरवाइज एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन में हमारे पास थ्री मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसकी तरफ देखें, इसमें हमारे पास है लिट ए एंड बी आर द मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब है कि हमारे पास टू मैट्रिसेस है, पहला है हमारे पास ए, दूसरा है बी। इनका ऑर्डर सेम है, जब इनका ऑर्डर सेम होगा तो इनके दरमियान हम एडिशन कर सकते हैं। अब देखिए हमारी तरफ, यहाँ ए प्लस बी, पहले हम मैंने लिखा है ए और फिर बी, मतलब ए को ऐड किया है बी के साथ, तो ये हमारे पास बराबर होगा बी प्लस ए, मतलब पहले बी को ऐड करेंगे बी ए के साथ। इस पर एक एग्जांपल करते हैं, देखिए हमारे पास ए एंड बी, ये हमारे पास टू मैट्रिसेस है, इनका ऑर्डर है हमारे पास 2 by 2, 0 0 0 1, बी को देखे 1 0 0 and 0। सो ए प्लस बी हुआ हमारे पास से, मैंने पहले ए लिखा है फिर बी, मतलब इनके एलिमेंट्स जो है वो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो मैंने ऐड किए हैं। सबसे पहले मैंने ऐड किया है 0 plus 1, वो यहाँ मैंने लिख लिया, फिर 0 plus 0, 0 plus 0 and 1 plus 0। सो इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास वो था 0 plus 1 is equal to 1, 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 0 is equal to 0 and 1 plus 0 is equal to 1। अब याद देखिए, ये तो हो गया हमारे पास ए प्लस बी, जिसका रिजल्ट आया हमारे पास 1 0 0 and 1। अब देखिए बी प्लस ए की तरफ, इसमें मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिया है, उसमें मैंने लिया था पहले मैट्रिक्स ए, अब मैं पहले मैट्रिक्स बी लूंगा। सो बी, ये 1 मैंने ऐड कर लिया 0 के साथ, 0 मैंने ऐड कर लिया 0 के साथ, फिर ये 0 मैंने ऐड कर लिया 0 के साथ, एंड 0 मैंने ऐड कर लिया 1 के साथ। सो 1 plus 0 is equal to 1, 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 0 is equal to 0 एंड 0 plus 1 is equal to 1। सो ये हमारे पास प्रूफ हो गया इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से कि हमारे पास बराबर है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन की जानिब। सो लेट ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कम्यूटेटिव लॉ में हमने दो मैट्रिसेस लिए थे, यहाँ मैंने लिए है तीन मैट्रिसेस। इनमें जो फ़र्क है वो है ए प्लस बी प्लस सी, पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे इसमें, और इसमें हम पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे। बी प्लस सी का जो रिजल्ट आएगा उसे हम फिर ए के साथ ऐड करेंगे, या हमारे पास ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा वो हम सी के साथ ऐड करेंगे। सो देखिए, ये एक एग्जांपल मैंने हल किया है, हमारे पास थ्री मैट्रिसेस है ए बी एंड सी, जिनका ऑर्डर है हमारे पास 2 by 1, मतलब ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम है इसमें। सो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें सबसे पहले मैंने जो ऐड किया है मैट्रिसेस वो है हमारे पास बी एंड सी। ए को मैंने इधर लिख लिया एंड बी एंड सी 1 plus 1 0 plus 1। सो ये यहाँ हमारे पास 0 1, ये यहाँ आ गया, इनका जो रिजल्ट आया वो हमारे पास 2 and 1, 0 plus 2 हमारे पास हो गया 2 एंड 1 plus 1 हमारे पास हो गया 2। अब इस सेकेंड इक्वेशन को देखें, यहाँ हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसमें हम सबसे पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर उसको सी के साथ ऐड करेंगे। सो ए प्लस बी हमारे पास ये हो गया 0 1 and 1 0, और सी को हमने अपनी जगह लिख लिया। जब इसका रिजल्ट आया हमारे पास 0 plus 1 1 and 1 plus 0 1, या हमारे पास 1 plus 1 को मैंने अपनी जगह लिख लिया, फिर ये इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास वो था 2 2, मतलब इनका ऑर्डर हमारे पास था 2 by 1। सो ये इन दोनों इक्वेशन की जानिब देखिए, ये हमारे पास सेम है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम।
इक्वेशन वन हमारे पास इससे आया, इक्वेशन टू इससे, सो इट इज प्रूफ दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। इसकी एक शॉर्ट समरी लेते हैं हमारे पास, मैंने इस मैट्रिक्स इस लेक्चर में मैंने दो लॉज लिए हैं जो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास इक्वेशन था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, फिर इस मैंने एक एग्जाम्पल की मदद से इसे और भी आसान कर दिया। तो ये देखें हमारे पास ए प्लस बी, इसमें मैंने सबसे पहले ऐड कर लिया ए एंड बी, फिर मैंने ऐड कर लिया बी एंड ए जो हमारे पास बराबर था। सो ये ला हमारे पास प्रूफ हो गया। आप देखें एसोसिएटिव लॉ की जानब, यहाँ भी हमारे पास मैंने थ्री मैट्रिसेस लिए हैं। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, फिर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जिनका जो रिजल्ट आया हमारे पास वो सेम था। सो ये ला भी हमारे हमारे साथ प्रूफ हो गया। सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।